एक और बड़ी खबर है रूस के पैरा ट्रूपर्स का विध्वंसक एक्शन, 30 mm रॉकेट लॉन्चर और टैंक से युद्धाभ्यास जारी है, फाइटर जेट को निशाना बनाने का युद्धाभ्यास। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रॉकेट लॉन्चर और टैंक से युद्धाभ्यास चल रहा है। आप ही के पास आ रही थी, अब जिस तरह से हम बता रहे हैं जो चार इलाके जो हस्ताक्षर करके दे दिए गए, जो यूक्रेन ने अपनी नाक का सवाल बनाया हुआ है कि ये युद्ध तभी अंत होगा क्योंकि कंडीशन पे कंडीशन ज़ेलेंस्की रख रहे हैं और पुतिन झुकने को तैयार नहीं होंगे, उनकी भी अहम का और अस्तित्व का सवाल है। ये जो चार इलाके हैं जिसमें डॉनबास का, लोहानस और डोनेस का इलाका, तो फिर कैसे शांति की बात आप कर सकते हो आगे, मंशा ही नहीं है। देखिए, शांति की वार्ता इस समय ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरा मानना है कि ये जो चारों इलाके हैं ये इंटीग्रल पार्ट है यूक्रेन का, इससे आज नहीं तो कल रशिया को इस इलाके को वेकेट करना पड़ेगा। क्रीमिया की बात अलग थी, क्रीमिया कभी भी यूक्रेन का हिस्सा नहीं था, इसलिए उस पर जो कब्जा रशिया ने किया वो एक अलग थी, लेकिन ये जो चार स्टेट है ये हमेशा से इंटीग्रल पार्ट रहे यूक्रेन के। लिहाजा ये जिद है पुतिन की कि रशिया के लिए सबसे अच्छी स्थिति ये थी कि आप लोनास और डोनास के इलाके में जो वहाँ की जो इंटरनल टर्मोइल थे उसको हवा देते और किसी तरीके से सत्ता परिवर्तन करते यूक्रेन में और अपनी एक ऐसी सरकार बनाते जो प्रो रशिया हो। लेकिन तिवारी सर, इस वक्त क्या ज्यादा मुश्किल नजर आता है आपको, पुतिन के लिए, रूस की सेना के लिए अपने कब्जे वाले इलाकों पर अपना कायम रखना कब्जा, या फिर यूक्रेन के नए इलाकों पर हमला करके एक बार फिर से कब्जा करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां तक कब्जा किया हुआ उसको कंट्रोल में रखना, और बाकी जो अटैक आगे बढ़ने की कोशिश तो रशिया मेरे ख्याल से झेल चुका है, अब गलती कभी भी नहीं करेगा। अब उसको खाली ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, पैरा इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सारे चीज़ डिस्ट्रॉय करेगा और इस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ताकि यूक्रेन की सिटीजन गिवअप कर जाए और जेलेंस्की के खिलाफ सड़क पर आए, तभी जेलेंस्की इस्तीफा देंगे। और जेलेंस्की को ऐसा लग रहा है कि नाटो देश और वो देश सब यूएस ने भी इनडायरेक्टली उसको हिंट दे दिया है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है सर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आई एग्री टू द सम एक्सटेंट, लेकिन जनता की जो रुकावट, जनता का जो उसके खिलाफ जो उनके क्लियर होगा दिमाग में बात आएगी। ये भी एक संभावना, ये भी एक एंगल है जिसके बारे में आपने बताया। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।